Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe. I'm your trainer Arun Chauhan and I'm back again today with another video. Before I move for this video, I hope you are watching my other videos as well. As I have said before in my other videos, there is a playlist that I made in 2023 by the name Tips in which I'm uploading a lot of videos related to communication.

आई ई एल टी एस डब्ल्यू आई टी एच ए आर यू एन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम सो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो होने वाली है डब्ल्यू एच फैमिली के ऊपर अब ये डब्ल्यू एच फैमिली क्या है आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता है डब्ल्यू एच फैमिली है जो हम डे टू डे देट क्वेश्चन पूछते हैं राइट जैसे कि वाई वॉड वेन वे हु ये सब क्वेश्चन इनका एक्चुअली मतलब क्या है इनकी यूसेज क्या है कहा यूज करने चाहिए जैसे कई लोग यू नो इंटरचेंज कर देते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन को तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो सके सो लेट्स गो टू अवर फ्लो स्टॉर स्क्रीन लाइक ऑलवेज सो फ्रेंड्स वी आर बैक टू अवर वर्किंग स्क्रीन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन राइट एंड यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास वी तो चलिए इन सबको हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वॉट की ठीक है वॉट आपने देखा होगा कि हमारी बहुत बेसिक यूसेज है वॉट की जैसे हम कहते हैं वॉट इज नेम राइट तो वर्ट को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं बेसिकली पहला जब हम आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन व समथिंग जब हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जैसे कि मैंने भी कहा व्हाट इज योर नेम ठीक है देखिए जैसे आप आपके मैंने लिखा भी हुआ व्हाट इज योर नेम तो जब हम किसे किसी कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तब हम वॉट का यूज करते हैं और राइट फिर जब हम चाहते हैं कि कोई किसी बात को रिपीट करे और राइट right? तो जब रिपीटेशन करनी हो कोई इंफॉर्मेशन जो मैं सुन नहीं पाया तो उस केस में मैं कहूँगा कि आपने क्या कहा कि आप दोहरा सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो वॉट आई कांट हियर यू यू दिड वॉट या फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने क्या किया मैंने सुना नहीं तो यहाँ पे मैं वर्ड पूछूंगा ठीक है जैसे एक तरीके से अचंबा अच्छा अच्छा जिसको हम कहते हैं बाई टेकन बाई सरप्राइज तो ओवर दियर बी सी वॉड जैसे मैं कहूँ माई मेरा दोस्त कहता है कि यू you नो know, मेरी एक लॉटरी लग गई है एक करोड़ के ना लाइक वॉट सो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑल्सो फर्स्ट सरप्राइज आप वर्ड वहाँ भी यूज करते हैं ठीक है लेकिन हम वो एक अलग चीज़ है एक्सक्लमेशन मार्क्स उसमें वाट नहीं आता उसमें हम वाओ और अलग तरीके एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं अभी हम सिर्फ वर्ड पर रहेंगे क्लियर है वॉर्ड की फिर हम बात करते हैं वट होने के बाद बेसिकली वेन का मतलब जैसे मैंने लिखा जब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ वो कब गया ठीक है आप कब, आए? आप कब जा रहे हो तो वहां पे सबके लिए हम यूज करेंगे वेन को आर राइट right. तो थर्ड हमारा जो है वो है वेयर वेयर को हम हिंदी में कहते हैं कि कहां कहां पे? गो वो कहाँ गया ठीक है where did he come from? वो कहां से आया था? ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है और और जैसे मैंने हिंदी में कहा, कि भाई वो वो रहते हैं? Where are they coming from? वो कहां से आ रहे हैं तो वेयर जब भी हम बात करेंगे जगह की ठीक है पोजिशन और प्लेस की तो वहां पर हम यूज करेंगे हमेशा वेयर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज विच अब विच क्या होता है विच इज़ आस्किंग अबाउट यर चॉइस जब हम किसी से उसकी प्रेफरेंस उसकी चॉइस पूछ रहे हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पर हम हमेशा यूज़ करेंगे विच को और विच के लिए क्या है विच कलर डू यू वॉन्ट ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलाइ आई एम गोइंग आउट फॉर शॉपिंग और सेलक एक सेल्समैन के पास कोई शर्ट है तो मैं उसे कहता हूँ कि ये किसी और कलर में अवेलेबल है क्या तो कहते हैं सर विच कलर डू यू वॉन्ट तो मैं उसे कहता हूँ कि सर लाइक फॉर एग्जाम्पल आई नीड रेड तो ये मैंने अपनी प्रेफरेंस बता दी विच कि मतलब जहाँ पे मेरी चॉइसेस को मांग रहा है क्लियर है सो दैट इज़ बेसिकली विच जहां पे हम यूज़ करते हैं अब नेक्स्ट हमारा आता है हु जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं हु आर यू जैसे मुझे फ़ोन आया ठीक है और वो कहता है कि हाई ah, जैसे मैं नहीं जानता उस बंदे को लैंडलाइन पे कॉल आया है तो मेरे पर नंबर सेव नहीं है वो कहता है कि सीराई कैना टॉक टू योर ब्रदर मैं कहता हु आर यू क्या आप कौन हो ठीक है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं हु को आस्किंग वॉट और विच पर्सन ऑफ पीपल इसका मतलब होता है कि मतलब हम जब उनके बारे में पूछ रहे हैं ठीक है दैट इज वहां पे हम हु यूज करते हैं हु ओपन द डोर डो ये दरवाजा किसने खोला हु मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क है मेरे पास कि मतलब मुझे नहीं पता उस चीज को मैं फिल इन कर रहा हूं कि भाई वो कौन था हु वॉज दैट गाय ठीक है फिर जब हु की बात हो जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज होम होम हमारे क्या है आस्किंग वॉट ऑफ विच पर्सन और पीपल देखो ये देखने में एकदम सेम लगते हैं पर इनमें फर्क क्या है ठीक है होम डू यू सी तुमने किसको देखा था डिड्यूसी जब हम बात करते हैं किसी प्लेस सॉरी oh किसी पर्सन की ठीक है तो हम वहां पे हमेशा ये यूज करेंगे होम जब हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं होम डिड यू सी तुमने किसको देखा था लेकिन हो हम प्रेजेंटली यूज करते हैं हुआ यू देखिए जब बात करते हैं होम तो वो पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं कि होम डिड यू सी राइट नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज इज आस्किंग अबाउट

लास्ट हमारा क्वेश्चन है वाई जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्यों ठीक है आस्किंग फॉर रीजन आस्किंग वॉट फॉर ठीक है वाई डिड यू वाई डू यू से दैट ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई वाई डू यू दिस जहां मैं सवाल पूछा हूं कि क्यों भैया क्यों किस लिए किया तो वहां पे हमेशा वाई रहेगा वाई इज बेसिकली आस्किंग समन के ये क्यों किया क्लियर है सो दिस इज अवर डब्ल्यू एच फैमिली मैंने आपको बहुत क्रिस्प में, में वे समझाने की कोशिश की है राइट right? एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से थे इंफॉर्मेशन -फट. मांग रहे होते हैं वेन जब हम कहते हैं तो होता है सॉरी वेन यूज होता है कब के लिए कब हुआ फिर आता है, where. Where यूज़ होता है? आपकी प्लेस ऑफ पोजिशन के लिए हैपन ठीक है विच इसका मतलब प्रिफरेंस चॉइस के भी कौन सा कलर चाहिए विच कलर डू यू वॉन्ट उसके बाद आता है हु की हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं किसी इंसान की लेकिन जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं हु वा यू कि आप कौन हो फिर बात आती है हमारे पास होम की कि होम में बेसिकली यूज करता हूं जब मैं किसी सेकेंड पर्सन से बात कर रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन के लिए ठीक है तो वहां पे मैं कहूंगा होम होम डिड यू सी अदर नाइट नेक्स्ट इज हुज़ जब हुस की बात होती है तो आस्किंग ओनरशिप के भी किसकी है ये चीज किसकी है अटैचिंग समथिंग विद अ विदर्सन हम कहते हैं पोजिशन हुज पेन इज दिस वॉलेट इज दिस लास्ट आता है हमारा वाई तो वाई होता है बेसिकली कि क्यों वाई डिड यू डू दिस आपने ये क्यों किया सो so फ्रेंड्स

With arun at the gmail.com that is i-e-l-t-s-w-i-t-h-a-r-u-n at the rate gmail.com and this was all about today's video friends and if you like this video click like share it with your other friends or you know people whom you think would uh, help would get a lot of help by seeing this video and those who have not subscribed my channel kindly subscribe my channel and um, till then i'm your trainer arun Chohan. thank you so much and have a great day ahead i will catch you soon